इन भारतीयों ने खाना पकाने की दुनिया में कमाया नाम, ये अवार्ड पाकर बनाई अलग पहचान। काम कैसा भी हो उसमें परफेक्शन बहुत जरूरी है। बात जब खाना बनाने की हो तो और भी ज्यादा। हमारे समाज में खाना पकाने को बहुत कम लोग करियर के रूप में चुनते हैं, लेकिन इन शेफ ने कुकिंग को न केवल करियर के रूप में चुना बल्कि दुनिया में सम्मान पाकर शेफ के काम को अलग पहचान भी दिलाई। भारत के सात शेफ जिनको रेस्तरां और होटल की दुनिया में मशहूर अवार्ड मिशलिन स्टार से नवाजा गया, ये फ्रांसीसी अवार्ड डाइनिंग की दुनिया में अच्छा काम करने वालों को दिया जाता है। ये एक तरह का रेटिंग सिस्टम है जो रेस्तरां की अच्छी गुणवत्ता के आधार पर दिया जाता है। साथ ही इन रेस्तरां में काम करने वाले शेफ को भी इस सम्मान से नवाजा जाता है। भारत के इन सात शेफ हैं जिनको मिशलिन अवार्ड से नवाजा गया है। विनीत भाटिया भारत के पहले शेफ हैं जिनको मिशलिन अवार्ड से नवाजा गया है। साल 2001 में लंदन में बने रेस्तरां जायका में काम करते हुए इनको ये सम्मान दिया गया। विनीत भाटिया के बनाए कुजीन को अवधि नाम से कैटेगराइज किया गया था। अल्फ्रेड प्रसाद भारत के सबसे युवा शेफ हैं जिनको मिशलिन अवार्ड दिया गया है। टैमरिंड रेस्तरां में एग्जीक्यूटिव शेफ के तौर पर काम करते हुए अल्फ्रेड ने 2002 में ये स्टार पाया था। अतुल कोचर पहले शेफ हैं जिन्होंने अपने भारतीय खाने को कुजीन का तड़का दिया। 2001 में टैमरिंड लंदन में काम करते हुए मिशलिन स्टार से नवाजा गया था। करुणेश खन्ना ने लंदन के रेस्तरां अमाया में हेड शेफ के तौर पर 2004 से काम किया है। उनके खाने की खासियत कंटेम्परेरी इंडियन कुजीन है। इनको 2006 में मिशलिन स्टार अवार्ड दिया गया। श्रीराम अयलूर लंदन के क्विलन रेस्तरां में एक एग्जीक्यूटिव शेफ हैं। इनका बनासी फूड खाना बहुत ही लाजवाब होता है। इनको मिशलिन स्टार से 2008 में नवाजा गया था। विकास खन्ना को कौन नहीं जानता है। मास्टर शेफ में नजर आ चुके विकास खन्ना को उनके रेस्तरां जुनून के लिए 3 साल तक 2012 से मिशलिन स्टार से सम्मानित किया गया। मंजुनाथ मुरल मिशलिन स्टार से सम्मानित। मंजुनाथ को ये सम्मान उनके भारतीय रेस्तरां के लिए दिया गया था जो साउथ ईस्ट एशिया में बना है।